नहीं, मुझे जम नहीं रहा है राग। सर दिक्कत आ रही है। तो अरे आप साइन नहीं कर रहे तो फिर कहाँ से व्यवस्था बनेंगी? मेरे को उसने फाइल भेजी नहीं है, पूछो ना उसको फोन लगा के। अरे फाइल नहीं भेजी, फाइल पूरे बाजार में पहुंच गई, आप पे फाइल ही ना आने भेजी। कौन सी 50,000 लेकर आया हूँ तो मैंने वापस कर दी है, डीएल की वापस कर दी, गाड़ी की वापस कर दी। मैं बाबू हूँ तो बाबू के हिसाब से चलेंगे, मैं सीएमओ नहीं हूँ, ठीक है। हाँ 50,000 से नीचे की पर साइन नहीं होंगे हमारे। है 50,000 मैं 1 लाख से नीचे काम ही नहीं करेंगे। 1 लाख से नीचे मैं काम नहीं कर रहा बोरी में। तो 1 लाख से नीचे नहीं करोगे काम तो फिर उसमें तो पीआईसी में जाना पड़ेगा अपन को। पीआईसी 1 से ऊपर आ गई 10 लाख में। हाँ तो 1 लाख से ऊपर पीआईसी पहुंच गई ना। हाँ 1 से 10 तक पीआईसी का काम है। हाँ अध्यक्ष सीएमओ तो 1,99,000 रुपये तक का काम कर सकते हैं। तो 99 तो करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन गाड़ी का भुगतान अपन 99 का कैसे कर दें? अरे भाई साहब डीएल आप लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ, स्पष्ट करो। गाड़ी का तो वो किराया था 19,000 रुपये महीने। मेरी बात सुनो, आप डीएल का और गाड़ी का वो नहीं करोगे, प्रमाणित नहीं करोगे? प्रमाणित तो अपन पहले ही कर चुके जब लगाई थी गाड़ी तब। अरे पेमेंट तो मैं डालूंगा, तुम तो मेरी फाइल पे प्रमाणित करोगे जा काम करो, ताकि साइन करा रहा हूँ मैं आप पे, वेतन के ना करा रहा हूँ मैं। प्रमाणित प्रमाणित नहीं, उसमें प्रमाणीकरण नहीं लगा था आपका। देखो भाई साहब वो चलेगी तो ही चलेगी, नहीं बुला चल रही, ठीक है वो अत्यता ही धरी रहेगी। अब वो तुम देख लेना जैसा तुम ठीक लगे वैसा। मुझे नहीं जरूरत नहीं है, मैं तो कैंसिल करवा लूंगा ऑर्डर। तो फिर आप ऑफिस में बैठोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी ये लोग नहीं कैंसिल कराते हैं, कोई मतलब नहीं है ज्यादा टेंशन ना पालनी। तो 50 खराब है, पूरी रात तो सोना है। 2 कौड़ी को कर्मचारी मोटा से, मैंने कौन सी गुंडागिरदी कर दी आज बाके वहाँ पे? तो अपन आज बाको क्षेत्र पूरे बनिया पूरे सब सब इकट्ठे कर ले, मैं सब में आ जाए देखे मैं ये के भाई टेटली सुनना मसक के बाहर फेंक दूंगा सब मिले में डारे आऊंगा मैं ऐसा हूँ आई के समझ में। तो वो तो मंत्री जी के यहाँ जाके परेशानी सॉल्व हो गई ना आपकी। कचू सॉल्व ना भाई, नहीं उन्होंने बोल दिया। नहीं नहीं कुछ सॉल्व नहीं हुए, मैंने सामान डलवा दो मंगवा दो, वैसे पूरा बवंडर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं तो सरी के मुंह पे दादागिरी कर रहे हैं। तो आप सीएम हो उन पे कार्रवाई करो। हम आपके एक बनिया मुंह पे दादागिरी कर रहा है, बनिया एक सीएम को दबा रहा है। ऐसे कैसे दबा देंगे? हम पकड़े चम्बले में डाल रहे हैं, वो स्टीमर में रहती बनिया समझ आ गई तुम भाई योगे से। अरे तो आप इतनी जल्दी आपा मत बोलिए। नहीं आ रहा मैं आज नहीं रहा, मीटिंग आप कर लेना, मैं तो साइन कर दूंगा बस। अरे साहब ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं काम पहले तुम्हारे साइन होंगे भाई फाइल पे, तो ये नहीं नहीं कोई काम नहीं है, मैंने जो सप्लाई दी है बाकी हमारे माई लोगों ने सप्लाई पहुंचाई है उसमें साइन होंगे, 3 फाइलें उसके बाद। हाँ फाइल बन गई क्या? वो बन गई और एक की कोटेशन खो दे, पता नहीं कहाँ कर दे बनिया ने। अच्छा कोटेशन खो दिए? हाँ कोटेशन खो दिए तो भाई साहब फाइल बनी नहीं होगी फिर। अरे इंजीनियर के साइन सही पे फाइल है वो। तो मेरे पास फाइल आई नहीं है, आप बल्लू बल्लू पे फाइल है, बल्लू गया है आपके पास, आपने मने कर दिए। एक काम करो आप बल्लू को फोन लगाओ, उसको कॉन्फ्रेंस में लो और मेरे पास वो फाइल लाइट की लेके आया था कि नहीं आया था ये पूछ लो आप। बल्लू गया बल्लू है नहीं, वो झांसी गया है, वो है नहीं, मैं अभी दिखा देता तुम्हें। वो तो मैं बाजार लेके मैं आ रहा हूँ फाइलों को, वो तो मैंने सामान डलवा दिया, आप दम से डलवाया सामान, मैंने किसी से नहीं पूछी है, मैंने जो 4 बिल के पेमेंट करे वो अपने दम से करे हैं। हाँ। ना तो मैंने अध्यक्ष से पूछी ना काउ से पूछी। नहीं आप ही तो मेरी ठीक हो रही है, मैं मरने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, मरने आया हूँ मैं। हाँ मुझको जरूरत ना ले जा, मैं मुझ तरह का बैराड़ से मिलेगी मैं तो वैसे ही शौक के लिए आएगा तो शौक पूरी है कि नहीं पन्ने दिनों में। देखिए आप गलत समझ रहे हैं बातों को। हाँ फाइल लेके वो मेरे जी के साइन होंगे कोई काम होगा नहीं, कोई काम नहीं है वहाँ, ठीक है। छोटे पेमेंट पे अध्यक्ष के साइन कैसे होंगे? मैं छोटे कर ही ना रहा, मैं तो 1 लाख से करूंगा। लेकिन एक बात बताइए आप, कोई काम देखो फाइल पेमेंट मेरे हाथों से जाएगी, रुपये ही तो जाएंगे हमें सीएमओ पे आपन से, फाइल थोड़ी जा रही है, फाइलू जा रही है वहाँ बैंक में। तो 50 आई के समझ में, तो 50,000 के नीचे के पेमेंटों पे तो आप ही साइन करोगे ना? मैं तो 50 को काम ही ना कर रहा हूँ, 1 लाख को काम करेंगे, 99,000 को। आप मान के चलो कोई भी किसी नाली को साफ करवाना है अपन को, वो 99,000 हो ही नहीं रही, तो उसका भुगतान अपन कर कैसे देंगे इतना?
उसका ऐसे करेंगे 99,000 की हम स्वीकृति ले लेंगे, एक नाली करवा दी उसी में दूसरी करवा दी तीसरी, जब तक 99 को बिल पहुंच जाओ बाप भुगताने जाओ। लेकिन जब तक 99 का बिल नहीं पहुंचा तब तक भुगतान कैसे करेंगे फिर अपन? टुकड़ों में हो जाते हैं भुगतान। हाँ तो स्वीकृति देने की, अरे भुगतान की गारंटी मेरी है, मैं करूंगा भुगतान, आपको तो बस मेरी फाइल पर साइन करने है। हाँ, बस यही है, ऐसे अनोने कोई मैटर नहीं है बस। तो स्वीकृति हम करवा देंगे, स्वीकृति की मैंने थोड़ी की, उस दिन आपने बजरी की और उसकी स्वीकृति मांगी थी जेसीबी की। मुझे पीएमसी चाहिए हर फाइल में, चाहे वो 1 रुपया की हो चाहे 99 की हो, मुझे कोई मतलब नहीं है बस ये है। तो हर फाइल में पीएमसी कैसे चलेगा? अरे अरे 1 लाख के नीचे में काम ही ना करो 99,000 रुपये। अरे अभी मान के चलो अपन ने बजरी डलवाई है, मुरम डलवाई है, 4 वार्ड में जिसका सही बिल्डिंग मटेरियल वाले का अपन को भुगतान करना है, कैलाश भाई साहब का भुगतान करना है, दोनों हम अलग अलग हैं और दोनों वो तो बिल लग जाते हैं सवन के टुकड़न में, फाइल एक बन जाते हैं, कहाँ काम है रे तीन के बिल आ जाते हैं। लेकिन मान के चलो जिसने काम किया उसका पैसा दूसरी फर्म वाले ने नहीं दिया तो उसका जवाबदार वो भी बिल लग जाता है दूसरी फर्म का भी लग जाता। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, तो अब तक सीएम मैं बदल भी रहा हूँ, मैं तो बासी से बेरिंग को आया हूँ, तो मैं तो बेरार से तना का मिला ही, जैसे तना का ना मिल रही हूँ। अभी मान के चलो अपन को कुछ सामग्री मंगवानी है मान लो, आओ तो वो सामग्री जब 1,25,30,000 में ही आ जाएगी हाँ, तो फिर अपन उसका 1,00,000 आप बड़े ना रहो, आप बड़े ना कर रहे, मैं छोटे ना कर रहा हूँ, हते ही दें दूंगा। अच्छा, नहीं तो पेमेंट तो दोनों तरह के होंगे, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे। तो पेमेंट जब होंगे तब फाइल पे साइन हो जाएंगे, सीएमओ अध्यक्ष तुम बैठ जाएंगे तब वो होंगे, खाली सीएमओ नहीं करेगा और सीएमओ करे होंगे, मैं उस मुझे पैसे कमाने नहीं आया मैं। देखो जो नियम होगा ना हाँ वो नियम फॉलो करेंगे। देखो मेरे पास बहुत डला है ऊपर वाले की कृपा से, और ऐसे ही मैं 3 बार को बनेगा सीएमओ, मेरी कोई ग्रेड नहीं है कुछ नहीं है, मैं ऐसी कृपा से बन गया शिवचिवा नरेश की से, तो मैं यहाँ फंसने तो आया नहीं। देखो भाई साहब जो भी होगी क्लियर होगी, अध्यक्ष सीएमओ बैठे के पहले सीएमओ साइन करेगा फिर अध्यक्ष करेगा, जो अध्यक्ष के लेवल का काम होगा उसको अध्यक्ष करेगा। हाँ आप जैसे सैलरी डालते हैं आप, तो सैलरी पे अध्यक्ष के साइन होते ही नहीं है, सब होते हैं करवाए का साइन है, साइन को वो कर ले, साइन ताजा पे करो। नहीं वेतन तो निकाल रहे सहमति थी, निकाल रहे अध्यक्ष की थे वही निकाल रहे वेतन। देखो सैलरी एक ऐसी चीज है जिसके पास वित्तीय पावर नहीं है वो भी सैलरी डाल सकते हैं, डीजल का भुगतान है, लाइट का भुगतान है, जो बिल आता है अपना। भाई साहब तुम्हें डर काय को लग रहे हैं, आपको मतलब ये कि तुम मुझे पे विश्वास नहीं कर रहे, मुझे मुझे मरवाना चाह रहे हो? अरे हम आपको क्यों मरवाएंगे, आप अच्छे से काम करो ना। जब पूरा भवंडर हो गया सब हो गया, मेरी कोई नहीं बोल रहा है, मेरी हालत ऐसी है, मुझे नींद ना आ रही। लेकिन उस भवंडर में मैं दोषी कहाँ हूँ? आप दोषी तो आप समझा तो सकते हो, बनिया ना समझा सकते तुम भाई। तो उस बनिया को आप ऑफिस आ जाओ, मैं बुला लेता हूँ उसको। मैं कहीं नहीं आ रहा, वो अब मेरे नहीं आएंगे, बेरारत ही चलेगी अब, मुझे तो कोई सिस्टम ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलोगे तो क्या थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है। गलत जाए तो यार मुझे चला नहीं आने को, तो धरिए पौरी नगर परिषद बैरार से कैसे चलेगी वो? चलेगी चल जाए जाएंगे कर्मचारी काम कराने, काम कराने यहीं से जाएंगे। जिसको साइन कराने है सीएमओ को ताए अटके वो बेड़ागो बेराड़, अब मैं फौरी ना आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ लोगों की जो समस्या आएंगी साफ सफाई को लेकर, समस्या में फोन पे होंगे, अगर समस्या सॉल्व नहीं होगी उसको जब मुझे दोषी मानना तुम तो, काम नहीं हो रहे। तो देखो अभी तक जो सीएमओ आए ना, अब तक सीएमओ फुल फ्रेश आए बाबू चुया आए के समझ में हाँ, अब तक तो आए सीएमओ अवार्ड ले गए, जैसे कहीं दागू के चांस मिल गए। हाँ तो एक कुटी डाले पूरे मध्य प्रदेश में जाए। देखो वो तो आपका आदेश हुआ है यहाँ के लिए, तुम्हारे लिए तो आप ही सीएमओ, वित्तीय पावर आपकी आ ही चुके हैं। आ गया वित्तीय पावर तो भाई साहब दिमाग में मेरे पास ही ना आने, तुम्हारे पास ही ना आने, तो अभी धरी रहने जी धरिए काम पे ही चलन दे तेने के माए पैसा लग गए हमारे लोगों ने, मैंने बोल दी हम तो सहन कर जाएंगे, ठीक है नहीं होंगे तो भुगतान होगा। अब कोई मना कर रहा है भुगतान? जब फाइल आएगी अध्यक्ष के पास तभी तो साइन होंगे। एक बनिया दादारी कर रहे हैं मंत्री के क्षेत्र में, बनिया मंत्री बन रहा है यहाँ पे, तो बनिया वाली बात को अध्यक्ष की तरफ क्यों ढकेल रहे हो? फाइलों का क्या संबंध है बनिया से?
मैं भाई गार दंग बनिया है, मैं यू आर रावत कहते हैं मुख्य नगर पालक अधिकारी पोरी बा बनिया समझ आ जी, पहले जा कोई इंतजाम करेंगे बनिया को। देखो इस तरह की बेइज्जती करिए ना, बेइज्जती बा को बदलो लंग में जाते। देखो आप बड़े अधिकारी, 13 तारीख में ले लो मैंने बा को बदलो, बाकी तो मौत है गई समझो। हाँ किसी के बड़ो होशियार टैलेंट आदमी मैं देखता हूँ। चलो ठीक है भाई साहब, हाँ मतलब ना ने भाई साहब काम कराना चाहे मत कराना, मैं तो पैसा लग गई लगे यानी लाइट फाइट। पौरी नगर परिषद क्षेत्र में जो एक भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में है, क्या कुछ मामला है? देखिए आजाद भारत के इतिहास में अभी तक ऐसी नगर परिषद किसी ने नहीं देखी जो आज हम पौरी नगर परिषद को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नए CMO साहब पौरी नगर परिषद में आते हैं और वित्तीय पावर नहीं होने के बाद भी वो कई ऐसे फर्जी बिल डलवा लेते हैं कि सरासर पौरी नगर परिषद और पौरी जनता के लिए अन्याय की बात है। और मैं आपको बता दूं एक छोटा सा कि वित्तीय पावर नहीं होने के बाद भी उन्होंने 5 बिल ऐसे बनाए जो 70,000 रुपए के करीब होते हैं। कई ऐसी काम जो उनके पावर में नहीं आ रहे हैं, अपनी मनमानी करना, आए दिन हमें सुनने में आ जाता है कि CMO साहब लड़ाकू भी हैं, लड़ाई में भी महारत रखते हैं, कहीं अपने गुंडे बुलवा लेते हैं, ये सरासर अन्याय है। पौरी की जनता विकास की ओर अग्रसर है, विकास को देखना चाहती है, लेकिन ऐसा पौरी की धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। पौरी में 25 से 30 JCB होने के बाद भी JCB के फर्जी बिल डाले जाते हैं, JCB को बाहर से बुलाई जाती है। और क्या पौरी के आसपास क्रेशर नहीं है? बड़ी बड़ी क्रेशर हैं जो बाहर से हैं कई किलोमीटर दूर, उसके बिल बनाए जा रहे हैं। सरासर ये फर्जीवाड़ा सिर्फ भाजपा और भाजपा की सरकार और नगर परिषद क्यों करने में आ रही है, हम इसको आरोप लगाते हैं और इसका विरोध भी करते हैं कि CMO साहब अब आपकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष भले ही है लेकिन गलत जो हो रहा है हम पार्षद गणों के साथ और अध्यक्ष महोदय के साथ में तत्परता के साथ खड़े हैं। और एक ऐसा मामला कि नगर परिषद के अध्यक्ष होने के बाद भी CMO अपनी मनमानी कर रहे हैं, यानी उनके संज्ञान में कोई खबर न देते हुए, उनके संज्ञान में न डालते हुए फर्जी बिल डालना, कर्मचारियों से अभद्रता करना, और तो और अध्यक्ष में और संज्ञान में ये आया है कि नगर परिषद के CMO द्वारा एक नगर परिषद के ऑपरेटर जो हमारे योगेश गुप्ता जी हैं छोटे भाई हैं उनसे अभद्रता की जा रही है, और तो और मारने की धमकी CMO द्वारा की जा रही है कि मैं तुझे मारकर चंबल नदी में फेंक दूंगा और हाथ तक नहीं दूंगा। अरे CMO साहब ये हेकड़ी और ये अकड़ अपने घर पे रखिएगा, ये पौरी की जनता है और पौरी की कांग्रेस पार्टी है, हम अपने छोटे भाई के साथ में हैं और ये मनमानी और दादागिरी नहीं चलेगी। आपको नगर परिषद में काम के लिए बुलाया गया है, आप मुद्दों की काम करिए और अपने काम तक सीमित रहिए, नहीं तो कुछ कर गुजरने के लिए हम लोग भी हैं। और निश्चित रूप से यदि आपने काम नहीं किए और ऐसी भाषा को रखा, और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पटल पर आकर समूचे पौरी नगर वासियों से और खुद योगेश गुप्ता जी से, यदि उसके साथ कुछ होता है तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। मैं इस वीडियो के माध्यम से कलेक्टर साहब और SP साहब आपको सूचित करना चाहता हूँ, यदि योगेश गुप्ता जी के साथ कुछ होता है तो उसके साथ पूरा शिवपुरी जिला शासन भी लिप्त होगा। तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस होने के नाते चाहे विपक्ष हैं, हम अध्यक्ष के साथ में, अध्यक्ष पति के साथ में, सारे पार्षद गणों के साथ में, उनके साथ तटस्थता के साथ खड़े हुए हैं। ये मनमानी और भ्रष्टाचार आगे नहीं होने देंगे। एक माह भी पूरा नहीं हुआ है CMO साहब जी को, कितना 1 माह नहीं हुआ है और CMO साहब खुद के निजी वाहन में करीब 400 से 500 लीटर जो करीब होता है 40 से 45 हज़ार रुपये का ये डीजल फूंक देते हैं। ये क्या है, 50,000 रुपये का डीजल फूंक कर आप ऐसे कहाँ गए? शायद मुझे लग रहा है कि आपने पूरे मध्य प्रदेश के दौरे किए हैं, क्योंकि हमारे अगर पौरी क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ तो 50 लीटर डीजल लग जाए तो बहुत दूर की बात है। ऐसे कई काम जो इनके धरातल पर नहीं दिख रहे हैं, नगर परिषद की मूलभूत समस्याएं हों, चाहे जनता सफाई के लिए त्रस्त हो, पानी के लिए त्रस्त हो, रोडों के संचालन के लिए त्रस्त हो, हर जगह हाहाकार मची हुई है। जनता के निजी काम ना होते हुए ये सब अपनी मनमानी, और CMO साहब आप किसी एक व्यक्ति की कठपुतली बनकर काम ना करें, ये जनता की नगर परिषद है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नगर परिषद नहीं है। यदि आप निरंतरता के साथ आप अपनी मनमानी करेंगे तो कुछ ही दिन में हम लोग और नगर परिषद के लोग एक साथ होकर आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो पौरी चौराहे पर होकर हम चक्का जाम भी करेंगे, और आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो फर्जी बिल फाड़े हैं वो किसके कहने पर फाड़े हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व
स्वतंत्रता दिवस जो लोग सब एकत्रित होके बच्चे हों बूढ़े हों सब एक होके इस खुशी के माहौल को मनाते हैं। जब हमें सुनने में आया गया कि एक मुख्य अतिथि के रूप में आपने नगर परिषद अध्यक्ष को बुलाया तो आपने वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई, वहाँ आम जन भी थे, वहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे, लोग आस करके आते हैं कि आप मिठाई तो खिलाते नगर परिषद की, लेकिन वहाँ मिठाई तो छोड़िए, वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं थी और पीने के लिए पानी नहीं था। और वहाँ के कर्मचारियों से पूछता हूँ मैं तो बद से बदतर हालात आज ये CMO द्वारा किए जा रहे हैं। हम कांग्रेस इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और निश्चित रूप से CMO साहब यदि आपने मनमानी की, चाहे वो नालियों का मुद्दा हो चाहे उधड़ी हुई पुलियों का मुद्दा हो, यदि आपने समय रहते ठीक नहीं की तो हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे और आपको घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद।